सोचो कि आप दिन रात मेहनत करके काफी पैसे जोड़ते हो ताकि आप एक घर बना सको, एक ऐसा घर जहां पर आप और आपकी फैमिली चैन से रह सके। आप दिन रात मेहनत करते हो और फाइनली आप इतने पैसे जोड़ लेते हो कि आप एक घर खरीद पाओ। कुछ पैसा आप देते हो, कुछ पैसा लोन लेते हो। घर आपका होने वाला होता है कि आपको ये मालूम पड़ता है कि जिस कंपनी से आपने लोन लिया था वो आपका तो छोड़ो बैंक्स तक का 34,000 करोड़ रुपया लेकर भाग चुकी है। सोचो कि आपकी क्या हालत होगी। BHFL एक ऐसी कंपनी जो कि सेमी अर्बन और रूरल एरियाज के अंदर लोअर इनकम ग्रुप्स के लोगों को घर दिलाने की विजन के साथ शुरू हुई थी, वो आज बैंक्स का 34,000 करोड़ रुपया यानी कि इस देश का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड करके भाग चुकी है। 2019 से लेकर 2020 इस एक साल के बीच में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक और येस बैंक, इन दोनों बैंक के अंदर एक कैश क्रंच की बहुत बड़ी सिचुएशन खड़ी होती है। इन दोनों बैंक के अकाउंट होल्डर्स अपने अकाउंट से अपने पैसे विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे, जिस चीज के चलते ये दोनों बैंक RBI सुपरविजन में आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन होती है और एक बहुत बड़ी बात सामने आती है कि इन दोनों बैंक्स के टॉप ऑफिशियल्स और वाधवान फैमिली के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी कि HDIL और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इन दोनों के प्रमोटर्स वाधवान फैमिली से हैं और इन दोनों कंपनीज ने मिलकर बैंक से करोड़ों रुपए लूटे हैं। बात अब हाथ से निकल चुकी है, RBI का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है और यहीं से सिलसिला शुरू होता है इस देश के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड का। ये कहानी शुरू होती है मई 2019 में, जब DHFL अपने 960 करोड़ रुपए के लोन के इंटरेस्ट को डिफॉल्ट करती है। कंपनी का ये कहना था कि ये एक बहुत ही छोटी सी कैश क्रंच की सिचुएशन है, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। जुलाई आते आते कंपनी ने अपनी सारी की सारी रीपेमेंट्स डिफॉल्ट करनी शुरू कर दी। अब डिपॉजिटर्स भी कंपनी के खिलाफ केस फाइल करना शुरू कर चुके थे और यहीं से ये सारे स्कैम का मामला सामने आता है। DHFL इस कंपनी के 34,000 करोड़ रुपए के स्कैम को समझने के लिए आपका इन चार चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 कि DHFL का फैमिली ट्री कैसा दिखता है। नंबर 2 कि DHFL का वर्किंग मॉडल आखिर क्या था। नंबर 3 कि मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस आखिर कैसे काम करता है। एंड नंबर 4 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इस पूरे स्कैम को आखिर कैसे एग्जीक्यूट किया गया है। ये कहानी शुरू होती है 1947 में, जब हमारे देश के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से कुलदीप सिंह वाधवान नाम के एक बिजनेसमैन मुंबई आते हैं। नाउ लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली ताकि आप डॉट्स को इजीली कनेक्ट कर पाओ। कुलदीप सिंह वाधवान के दो बेटे होते हैं, राजेश वाधवान और राकेश वाधवान। 11th अप्रैल 1984 राजेश वाधवान DHFL की शुरुआत करते हैं, जिसके बाद अगर आप आज देखो तो DHFL को राजेश वाधवान के दो बेटे कपिल वाधवान और धीरज वाधवान चलाते हैं और उनके साथ साथ उनकी जो डॉटर इन लॉ है अरुणा वाधवान वो भी इस कंपनी को चलाती हैं। वहीं पर दूसरी तरफ कुलदीप सिंह वाधवान के दूसरे बेटे मिस्टर राकेश वाधवान 1996 में जाकर HDIL की शुरुआत करते हैं, जिसको आज उनका बेटा सारंग वाधवान चला रहा है। DHFL के इस पूरे स्कैम के अंदर ये मेन कैरेक्टर्स हैं, मिस्टर कपिल वाधवान और मिस्टर धीरज वाधवान। लेकिन एक तीसरा भी ऐसा कैरेक्टर है जो कि इस पूरे स्कैम के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसके बारे में आपको आगे पता लगेगा। ये पूरा का पूरा स्कैम आखिर एग्जीक्यूट कैसे हुआ और इस पूरे स्कैम के अंदर वो तीसरा मेन प्लेयर आखिर कौन है, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको DHFL के वर्किंग मॉडल को समझना होगा। DHFL एक NBFC है, यानी कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सो बेसिकली काफी सारे लोगों को लोन्स लेने की जरूरत पड़ती है। इस केस के अंदर हाउस लोन्स की बात हो रही है। अब ये लोग ये हाउस लोन लेने के लिए या तो बैंक्स के पास जा सकते हैं, लेकिन बैंक्स के पास जाकर लोन उठाने के अंदर ये तीन मेजर प्रॉब्लम आती है। नंबर 1 कि काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव पेपर वर्क होता है। नंबर 2 कि बैंक से इजीली इतने आराम से लोन नहीं मिलता है और बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो रूरल एरियाज हैं और जो सेमी अर्बन एरियाज हैं उनके लोगों को बहुत ही कम ऐसे बैंक्स हैं जो बहुत आराम से लोन्स दे देते हैं। अब ऐसे केसेस के अंदर लोग इन NBFCs के पास जाते हैं जहाँ पर लोगों को बहुत ही कम पेपर वर्क में बहुत ही आराम से लोन मिल जाता है। एंड मोर ओवर ये लोन सेमी अर्बन और रूरल एरियाज के लोगों के लिए NBFCs अवेलेबल करा देती हैं, जो कि बैंक्स नहीं करते। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जितनी भी NBFCs हैं आखिर ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं। सो अगर हम स्पेसिफिकली DHFL की बात करें तो DHFL ने लोगों को हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने के लिए बड़े बड़े बैंक से बड़े बड़े लोन्स उठाए। अब एक NBFC को बैंक से बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाता है। सो फॉर सपोज अगर DHFL 5.5% to 7% के इंटरेस्ट रेट पर SBI या PNB से पैसा उठाता है तो DHFL इसी पैसे को आगे लोगों को हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करता है 8 to 12.5% के इंटरेस्ट रेट पर, और ये जो बच जाता है 1 to 4% का मार्जिन ये DHFL की इनकम होती है। मोरओवर एक NBFC जैसे कि DHFL ये लोग पब्लिक से भी पैसा उठाते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, जिस पैसे को आगे बाकी लोगों को लोन्स देने के लिए चैनलाइज किया जाता है। साल 2012 तक सब कुछ बहुत ही सही चल रहा था, लोगों को भी लोन्स मिल रहे थे और बैंक्स को भी अपना पैसा टाइम पर मिल रहा था। लेकिन अचानक इस साल कुछ ऐसा होता है जहां से DHFL की कहानी हमेशा के लिए बदल जाती है। 34,000 करोड़ रुपए का स्कैम, इतना सारा पैसा चुराना कोई आसान बात नहीं है। जो लेके आता है हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज की तरफ,
कि ये सारा का सारा स्कैम आखिर हुआ कैसे। बट बिफोर दैट यू नो, मैंने काफी सारे लोगों के बीच में नोटिस किया है कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू तो करना चाहते हैं लेकिन जॉब कमिटमेंट्स और टाइम ना होने के कारण वो लोग शुरू नहीं कर पाते हैं। बट डोंट वरी, रवि चंदीरामणि एक ऐसे स्टॉक मार्केट ट्रेनर है जिन्होंने अभी तक 1,00,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है एंड इस चीज के लिए उन्हें मिस्टर सौरभ गांगुली से स्किलिंग इंडिया का अवार्ड भी मिला है। अभी रिसेंटली उन्होंने 500 से ज्यादा जॉब गोइंग प्रोफेशनल्स के साथ लाइव स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करके उनको मंथली 10% से भी ज्यादा तक के रिटर्न्स निकालने के लिए ट्रेन किया है। और आज रवि सर ये सारी लर्निंग्स और ज्यादा लोगों तक लेकर जाना चाहते हैं। ही इज कंडक्टिंग अ फ्री वेबिनार जहां पर वो ऐसे वंडरफुल इनसाइट शेयर करेंगे जिस चीज का यूज करके आप भी अपनी जॉब के साथ साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हो, वो भी सिर्फ दिन के 45 मिनट्स देकर। इस सैटरडे और संडे को रवि सर एक फ्री वेबिनार करवा रहे हैं जहां से आप काफी सारी चीजें सीखकर अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। वेबिनार का लिंक मैंने आप सब लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दिया है। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार है, आप भी अटेंड करके अपनी स्किल्स को एनहांस करते हुए अपनी जॉब के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। 30 नवंबर 2021 यूनियन बैंक CBI के साथ एक कंप्लेंट रजिस्टर करता है कि DHFL ने 14,000 करोड़ रुपए के रिटेल लोन्स अंडर प्रोजेक्ट फाइनेंस दिए हैं लेकिन ये लोन्स एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। KPMG के एक ऑडिट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग DHFL ने ये सारा का सारा पैसा 66 अलग अलग कंपनीज के अंदर ट्रांसफर किया है। बट यू नो व्हाट, इसमें से 25 कंपनीज ऐसी हैं जिनका ना तो कोई एड्रेस है और ना ही कोई रेवेन्यू, और यही वो जगह है जहां से DHFL के सारे राज खुलने शुरू हुए। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, आपका इन दो चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर वन कि मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है, एंड नंबर टू कि इस पूरे के पूरे स्कैम को आखिर कैसे एग्जीक्यूट किया गया है। सो इसको बहुत ही ध्यान से समझना। कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस के अंदर इन तीन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। स्टेप वन, इनिशियल प्लेसमेंट। नाउ सी हाउ दिस वर्क्स। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई क्रिमिनल है जिसके पास काफी ज्यादा इलीगल पैसा पड़ा हुआ है। अब इस चीज को वाइट करने के लिए सबसे पहले एक लेजिटिमेट बिजनेस खड़ा करा जाएगा। फॉर सपोज मैं एक रेस्टोरेंट खोलता हूँ, उसके बाद मैं ये सारा का सारा पैसा अपने रेस्टोरेंट के अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करूंगा, जिस चीज के अगेंस्ट मैं फेक बिल्स बनाऊंगा, फेक इन्वॉइसेस जनरेट करूंगा, जिसके अंदर मैं ये दिखाऊंगा कि मेरा जो रेस्टोरेंट है उसकी ये पर्टिकुलर सेल्स हुई है जिसके बदले में ये पैसा आया है। सो फॉर सपोज मेरा रेस्टोरेंट हर दिन की 20,000 रुपीज की सेल करता है तो मेरा जो एक्चुअल सेल्स का फिगर है वो है 20,000 रुपीज, लेकिन मैंने अपना ब्लैक मनी अपने रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर इन्फ्यूज करके उस सेल्स फिगर को 20,000 से बढ़ा दिया है तो मेरी जो एडजस्टेड सेल्स फिगर है वो दिखेगी 40,000 रुपीज डेली की। आई नो आप क्या सोच रहे हो ये सब देख के कि अगर ऐसा है तो फिर तो कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आपको टैक्सेस देने पड़ जाएंगे। वेल नॉट रियली, क्योंकि ये वो जगह है जहां से मनी लॉन्ड्रिंग का सेकेंड स्टेप शुरू होता है और वो स्टेप है लेयरिंग। सो अब मैंने अपना सारा का सारा इलीगल पैसा फेक इन्वॉइसेस के थ्रू अपने रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर इन्फ्यूज कर दिया है, जिस चीज के चलते मेरे रेस्टोरेंट बिजनेस के रेवेन्यू फिगर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। नाउ टू बैलेंस दिस, मैं इस पैसे को री इन्वेस्ट करूंगा, या तो मेरे रेस्टोरेंट बिजनेस के थ्रू एसेट्स खरीदे जाएंगे या फिर ये पैसा शेल कंपनीज के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिस चीज के चलते जो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है वो कम होता जाएगा और मेरे को अपने रेस्टोरेंट बिजनेस से कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब मेरा सारा का सारा इलीगल पैसा मेरे रेस्टोरेंट बिजनेस से मेरी शेल कंपनीज के पास पहुंच चुका है। शेल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिन कंपनी का ना तो कोई ऐसा रेवेन्यू होता है ना ही कोई बिजनेस होता है, ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ पेपर के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं एज एन एंटिटी। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सारी की सारी कंपनीज या तो मॉरिशियस या सेशल्स या फिर केमैन आइलैंड्स, ऐसी टैक्स फ्री कंट्रीज के अंदर खोली जाती हैं जिनको टैक्स हेवेंस भी कहते हैं। सो बेसिकली इन कंट्रीज के अंदर जो कंपनीज हैं ना तो उनके ऊपर टैक्सेस लगते हैं और ना ही उन कंपनीज के अकाउंट्स की कोई एज सच खास स्क्रूटनी होती है। अब ये पैसा शेल कंपनीज के अकाउंट्स में पहुंच चुका है, अब इन तीन में से कोई एक चीज करी जाएगी या फिर ये तीनों चीजें। नंबर वन, कैश विड्रॉल्स। उस कंपनी से सारा पैसा कैश में विड्रॉ कर लिया जाएगा या फिर उस कंपनी से जो पैसा है वो एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, अलग अलग कंट्रीज के अंदर रियल एस्टेट्स, स्टॉक्स लेना, ये सारी की सारी चीज़ें, या फिर उसी कंपनी से पैसा एक और नई कंपनी खड़ी करने के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसी और कंपनी के अंदर। सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, आपका सारा का सारा इलीगल मनी अब इस सारे प्रोसेस के थ्रू पूरा का पूरा वाइट होकर वापस आपकी जेब में आ चुका है। नाउ आई होप कि आप मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर DHFL की वर्किंग्स तक ये सारी चीजें समझ चुके हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि ये 34,000 करोड़ रुपए का DHFL का स्कैम आखिर कैसे एग्जीक्यूट किया गया। साल 2012 हमारे देश में अगर किसी NBFC को किसी बैंक से लोन लेना हो तो उसको इन दो में से किसी एक चीज की रिक्वायरमेंट है। नंबर वन, डेट क्रेडिबिलिटी, एंड नंबर टू, कनेक्शंस। DHFL के केस में डेट क्रेडिबिलिटी और कनेक्शंस, इन दोनों चीजों के बेसिस पर बैंक से खूब सारा लोन लिया गया। पर्टिकुलरली ये लोन बाकी लोगों को हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने के लिए लिया गया था।
पर DHFL के केस में ये सारा का सारा पैसा लोगों के अकाउंट में ना जाकर कंपनी के प्रमोटर्स के अकाउंट में चला गया। कैसे? नाउ लुक एट दिस वेरी केयरफुली। कपिल वाधवान और धीरज वाधवान ये दोनों ब्रदर्स मिलकर 2012 में अपनी कंपनी की एक बैंड्रा की ब्रांच सेटअप करते हैं। DHFL लोगों को हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने के लिए बैंक से खूब सारा लोन उठाती है, जिसके बाद ये सारा का सारा पैसा DHFL की बैंड्रा ब्रांच के अंदर ट्रांसफर करा जाता है, जहां से ये पैसा 260,316 अलग अलग लोन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करा जाता है, जो कि सारे फेक अकाउंट्स थे। DHFL का एक स्टैंडर्ड लोन प्रोसेस था, जिसके अंदर लोगों को पहले DHFL के पास जाना पड़ता था, जिसके बाद उनकी एक लोन रिक्वेस्ट डाली जाती थी, जो लोन रिक्वेस्ट कंपनी के लोन डेटाबेस के पास पहुंचती थी, जिसके बाद वहां से वो लोन रिक्वेस्ट अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट के पास जाती थी, उसके बाद वो लोन रिक्वेस्ट अप्रूवल कमेटी के पास जाती थी, जिसके बाद फाइनली वो लोन रिक्वेस्ट चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के पास जाकर वहां से अप्रूव होकर पास होती थी। बट ये जितने भी 260,000 अकाउंट्स थे ना, इनका प्रोसेस कुछ ऐसा था, लोन की रिक्वेस्ट डायरेक्टली चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के पास पहुंचती थी और लोन का अप्रूवल भी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर अपने ईमेल पर ही दे देते थे। सो अब देखो ये स्कैम हुआ कैसे। DHFL की बैंड्रा ब्रांच, जो कि सिर्फ और सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करती थी, जिसका ऑफिस भी नहीं था, उस ब्रांच से 260,316 अकाउंट्स के अंदर पैसे ट्रांसफर करे गए इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। और इसके साथ साथ 66 और अलग अलग कंपनीज के अंदर भी DHFL ने ये पैसा ट्रांसफर किया, और वो भी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। अब 260,000 अकाउंट्स और 66 कंपनीज, यहाँ से ये सारा का सारा पैसा शेल कंपनीज के अंदर ट्रांसफर करा गया, जहाँ से ये सारा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स की जेब में गया, जिसको इन प्रमोटर्स ने कैश की फॉर्म में अलग अलग रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके और अपने ऑफशोर अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया। और सबसे हैरानी की बात तो ये कि ये कोई पहली बार नहीं है कि कंपनी के प्रमोटर्स जेल जा रहे हैं, बल्कि इट इज समथिंग वेरी कैजुअल फॉर देम। DHFL के प्रमोटर्स बहुत बार जेल जा चुके हैं और उनको हर बार बेल भी मिल जाती है, लेकिन कैसे? वेल इफ यू गो बैक, याद है मैंने स्टार्टिंग में स्कैम के अंदर तीन मेन प्लेयर्स का जिक्र किया था, एंड दिस इज वेयर द थर्ड प्लेयर कम्स इन। वो तीसरा प्लेयर कोई और नहीं बल्कि पॉलिटिशियंस हैं। नॉट अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट जस्ट लुक एट द इवेंट्स। 21 जनवरी 2020, कपिल वाधवान को PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अरेस्ट किया जाता है, बट अमेजिंगली उनको 22 फेब को बेल मिल जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बेल बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अप्रूव्ड होती है, और वो भी तब जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके खिलाफ सारे के सारे सबूत कोर्ट के अंदर पेश करे थे। ये स्कैम 2012 से चल रहा था, लेकिन 2019 तक DHFL की क्रेडिट रेटिंग्स जबरदस्त है, क्योंकि सारी रेटिंग एजेंसीज ने DHFL को बहुत जबरदस्त क्रेडिट रेटिंग्स दे रखी है। कैसे? 2015 में PM आवास योजना लॉन्च होती है, जिसके तहत गवर्नमेंट लोगों को अफोर्डेबल हाउसेज प्रोवाइड करने का वादा करती है। स्कीम के तहत गवर्नमेंट बैंक्स को प्रेशराइज करती है और बैंक्स DHFL को बहुत ही आसानी से लोन दे देते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट, सारे के सारे बैंक्स जिनसे DHFL ने लोन उठाया था, वो सारे के सारे लोन्स के ऊपर उनको इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिली थी। क्यों? क्योंकि ये जो लोन उठाया जा रहा था, ये PM आवास योजना के लिए उठाया जा रहा था। बट एज यू नो, लोगों को वो घर बनाने का पैसा कभी मिल ही नहीं पाया और सारा पैसा प्रमोटर्स की जेब में। फाइनली DHFL को पिनामल ग्रुप ने 34,250 करोड़ के अंदर खरीद कर बैंक्स का काफी ज्यादा पैसा तो सेटल करा दिया है, लेकिन वो लोग जिन्होंने DHFL के स्टॉक्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर पैसे लगाए थे, उनका क्या होगा? ऐसे स्कैम्स के चलते गवर्नमेंट बैंक्स का लॉस बढ़ता जाता है, जिस चीज के चलते गवर्नमेंट बैंक्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट और ज्यादा पैसा इन बैंक्स को देती जाती है, जो पैसा कहाँ से आता है? आप लोगों के टैक्सेस को बढ़ाकर। इस सैटरडे और संडे को रवि सर एक फ्री वेबिनार करवा रहे हैं, जहां से आप काफी सारी चीजें सीखकर अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। वेबिनार का लिंक मैंने आप सब लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दिया है। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार है, आप भी अटेंड करके अपनी स्किल्स को एनहांस करते हुए अपनी जॉब के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। आज हर जगह बुरा हाल है। Zomato का IPO याद है कितना धूमधाम से हुआ था ना, लेकिन आज इस कंपनी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। Zomato के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है। अगर आप ये राइट वाली वीडियो देखोगे ना, तो जान जाओगे।